कुछ दिन पहले पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला गया। ये टेस्ट ऑस्ट्रेलिया की जीत से कम उस्मान ख्वाजा की वजह से ज्यादा चर्चा में रहा। उस्मान ख्वाजा ने इस मैच में अपनी बांह पर ब्लैक पट्टी बांधी हुई थी, उसे ही बांधकर खेले, जिसके लिए आईसीसी ने उन्हें फटकार लगाई। हालांकि इसके बावजूद ख्वाजा ने पीछे हटने से इनकार किया है। इस मामले में उन्होंने आईसीसी को चुनौती देने तक की बात कह दी है। ख्वाजा की माने तो वो 26 दिसंबर से होने वाले दूसरे टेस्ट में भी वहां पर काली पट्टी बांधकर उतरेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वजह क्या है जो उस्मान ख्वाजा काली पट्टी बांधकर टेस्ट मैच खेलेंगे। इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हाय एवरीवन, आई एम तान्या एंड यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स वाला। उस्मान ख्वाजा से जुड़ा हुआ ये जो विवाद है, ये पर्थ टेस्ट शुरू होने से एक दिन पहले का है। 13 दिसंबर को जब वो मैदान पर प्रैक्टिस करने उतरे, तो इस दौरान उनके जूते पर जब नजर पड़ी तो उस पर लिखा था, ऑल लाइव्स आर इक्वल और फ्रीडम इज ह्यूमन राइट, यानी सब समान है और स्वतंत्रता मानव अधिकार है। इसके बाद वो मैदान पर काली पट्टी बांधकर टेस्ट मैच भी खेले, जिसके बाद उस्मान ख्वाजा ने कहा कि टेस्ट मैच के दूसरे दिन आईसीसी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैंने काली पट्टी क्यों बांधी है, तो मैंने कहा कि ये मेरे निजी शोक का कारण है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से बहुत बड़ी मार्जिन से हराया। वहीं शुक्रवार को उन्होंने इस मसले पर फिर बात की। इस दौरान उस्मान ने कहा कि मैं आईसीसी और उनके नियमों का सम्मान करता हूं, मैं इस फैसले को चुनौती दूंगा, जूतों का मसला अलग था, मुझे वो कहकर अच्छा लगा, लेकिन आम बैन को लेकर फटकार का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने पहले भी सारे नियमों का पालन किया है। खिलाड़ी अपने बल्लों पर स्टिकर लगाते हैं, जूतों पर नाम लिखते हैं और आईसीसी की अनुमति के बिना बहुत कुछ होता है, लेकिन फटकार नहीं लगाई जाती। उनके अगर बयान पर गौर करें तो वो बॉक्सिंग डे टेस्ट में फिर वहां पर काली पट्टी बांधकर खेल सकते हैं। इस मामले पर आईसीसी का नियम बिल्कुल साफ है कि क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के दौरान किसी तरह के राजनीतिक, धार्मिक या नस्लवादी संदेश की नुमाइश नहीं कर सकते, लेकिन पूर्व खिलाड़ियों, परिजनों या किसी अहम व्यक्ति के निधन पर पहले से अनुमति लेकर काली पट्टी बांध सकते हैं। ऐसा कई बार देखने को भी मिला है जब खिलाड़ियों ने पूर्व क्रिकेटर के निधन पर या परिवार में किसी करीबी की डेथ होने पर ब्लैक पट्टी बांधकर मैच खेला है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जन्मे ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेलने वाले पहले मुस्लिम क्रिकेटर हैं। वो बीते कई सालों से ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। इस दौरान ख्वाजा ने अपने बयान में कहा, जब वो 13 दिसंबर को प्रैक्टिस के लिए आए तो उनका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं था। उनके जूतों पर लिखे नारे हालांकि गाजा में चल रही जंग की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने कहा, मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, मैं उस बात पर जोर डालना चाहता था जिसका मैं समर्थक हूं। मैंने सम्मानजनक तरीके से ऐसा किया। मैंने जूतों पर जो लिखा उसके बारे में मैं लंबे समय से सोचता आया हूं। मैंने धर्म को इससे बिल्कुल दूर रखा है, मैं मानवता के मसले पर बात कर रहा था। वहीं से पहले आईसीसी के प्रवक्ता ने कहा था, उस्मान ख्वाजा ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी से अनुमति लिए बिना पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में वहां पर काली पट्टी बांधकर निजी संदेश दिया और ये नियमों की उल्लंघन की श्रेणी में आता है। पहला अपराध होने पर उन्हें फटकार लगाई गई। अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच सीरीज का जो दूसरा टेस्ट है वो 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि इतनी सारी बातचीत के बाद ख्वाजा काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरते हैं या नहीं। वैसे गाजा के समर्थन में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी उतर चुके हैं। आपको याद ही होगा, वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और हारिस राउत समेत कई क्रिकेटर्स ने समर्थन किया था। रिजवान ने तो वर्ल्ड कप का शतक गाजा को समर्पित किया था। तब उन्होंने एक्स के जरिए लिखा था, ये शतक गाजा के भाई बहनों के लिए। चलिए अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उस्मान ख्वाजा आईसीसी को चुनौती देते हैं या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।